अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। एक बार फिर से आपका मैं अपने किचन में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही यूनिक और झटपट सी, जो कि 2 मिनट्स में बन जाती है, वो रेसिपी बना रही हूँ, जो कि है अल्फ्रेडो सॉस। ये हम अपने सैंडविचेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आजकल पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग, जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है तो उसे सर्व करने के लिए भी अल्फ्रेडो सॉस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा चिकन बंस में, चिकन ब्रेड में अल्फ्रेडो सॉस का यूज़ किया जाता है। आजकल पास्ता के साथ अल्फ्रेडो सॉस का यूज़ किया जाता है, और एज ए डिपिंग सॉस भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। क्रीम ली है मैंने 1/2 कप, साथ में मैंने लिया है मिल्क, यानी कि फ्रेश जो मिल्क होता है वो लिया है 4 टेबल स्पून, यानी कि 1/4 कप है ये। सॉल्ट लेंगे हसब ज़रूरत, मैं वैसे 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर मीन्स काली मिर्चों का पाउडर, ये यूज़ कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। बटर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा 1 टीस्पून, और साथ में यूज़ कर रही हूँ इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि एक लहसुन का जवा लें और आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली रेसिपी एंड शेयर माय वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मैं आप एक कोई पैन ले लें या फिर कोई कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, मैं वैसे एक कढ़ाई ले रही हूँ। स्टोव ऑन कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था वो। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम इसमें जो 1 टीस्पून मैदा लिया है वो ऐड कर देंगे। देखिए बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 1 टीस्पून। इसे हल्का सा हम बटर में रोस्ट करेंगे। बस ज़रा सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है इसे। बस ये रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी कि इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूँगी और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन पाउडर। आप लहसुन का एक जवा भी ले सकते हैं अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क जो मैंने 1/4 कप लिया था यानी कि 4 टेबल स्पून। अब विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आपको पता है मैदा है तो लम्स तो बनेंगे, तो इसीलिए विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। बस आपने इसमें इतना मिक्स करना है कि इसमें जो लम्स है वो रिमूव हो जाए। ये ले रहा लम्स इसमें से बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून था ये। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर मीन्स काली मिर्चों का पाउडर, और इसे फिर से करूँगी मिक्स। बड़ी झटपट सी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए उतनी बना लें। इसमें चीज़ों को डबल कर लें अगर आपको ज़्यादा चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम। ये देखें आप, ये गाढ़ा हो रहा है इसीलिए आंच को हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम ऐड कर दी है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। आपको पता है कि ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी ऐड कर दी है। 2 मिनट का ये प्रोसेस है, बाज़ार से लाने से बेटर है कि आप इसे इजीली घर में बना लें। जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगी, अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाए उसके बाद ये पैन छोड़ने लगेगी तो इट मीन्स ये रेडी हो गई है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप इसे 4 से 5 दिन तक फ्रिज में यानी कि रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि रेफ्रिजरेटर में रखने से ये गाढ़ी हो गई है तो आप ऐसा करें कि इसे गर्म करें। गर्म करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दें, उससे क्या होगा ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और गाढ़ी भी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए पैन छोड़ी है, ये एकदम इकट्ठी हो रही है, तो इट मीन्स ये रेडी हो गई है। तो बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे किसी भी बाउल में निकाल रहे हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में निकाल रहे हैं, और इसे यूज़ करें आप।
और देखें हमारी जो अल्फ्रेडो सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।